Yes, a very good morning. So we were revising coordinate geometry. So let us continue. So let us do some extra questions from coordinate geometry concepts we have done, right? Chaliye. There is a policeman and a thief. और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ज्वेलरी बॉक्स देखते हैं कौन लेके जाता है ज्वेलरी बॉक्स को. दोनों का डिस्टेंस ज्वेलरी बॉक्स से सेम है, पुलिस का भी और चोर का भी. जैसे आपका आपके पेन से और वो बैग से उतना ही डिस्टेंस है जितना जिया का अपने बैग और पेन से है, पर आप नहीं निकालना चाहते उसने सेम है, ठीक है ना. एक ज्वेलरी बॉक्स है इस ज्वेलरी बॉक्स से पुलिसमैन एंड थीप बोथ आर एट इक्वी डिस्टेंस कंसिडरिंग द ज्वेलरी बॉक्स एट ओरिजिन. मान लो कि ज्वेलरी बॉक्स की जो पोजीशन है वो ओरिजिन है, उस ओरिजिन पे है. द पोजीशन ऑफ पुलिसमैन इज 0.5, दैट मींस इट विल बी ऑन वाई एक्सिस लाइक दिस 0.5. यहां हमारे पुलिसमैन जी खड़े, दिस इज द पोजीशन ऑफ पुलिसमैन, ठीक है. पुलिसमैन की पोजीशन है 0.5. निकाल ली कॉपी पेन, ठीक है. इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द थीफ इज 0, जो थीफ है चोर जिसको भी हम कहते हैं, उसके भी पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट. वन विल बी एक्सिस, another will be ordinate. It is given that ordinate of thief's position it is 0. तो मुझे ये बताओ इससे आपको क्या हिंट मिलता है कि थीफ जो है वो कौन सी एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे. अगर थीफ की पोजीशन का ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, थीफ विल बी ऑन एक्स एक्सिस. डिस्टेंस पुलिसमैन का जी उतना ही है जितना चोर का है, ये बात याद रखना, ठीक है. So, Manyavit, can you tell me what coordinates we should assign to thief's position? -5.0. अगर पेपर में आता है कि that position of the thief will be defined by which of the coordinates? This is -5.0. Second is 0.5. Third is 5.0. And this one is both A and C. Which one will correct? Both A and C. Both A and C. So one more position you can mark it. Thief की मर्जी है भी, वो right side से ज्वेलरी बॉक्स लेके जा left side से. उसने हमसे सलाह थोड़ा करनी है. अगर सलाह ही कर ली तो चोरी कैसी हुई? पहले घर वालों से सलाह करते हैं thief कि बता दो मैडम किस विंडो से आके चोरी करे. नहीं ना, thief की मर्जी है, वो लेफ्ट से भी आ सकता है राइट से भी आ सकता है, बिकॉज डिस्टेंस उसको सेम पड़ रहा है. यहाँ पे 5 डिस्टेंस से 5.0 बना, यहाँ पे -5 डिस्टेंस से -5.0 बना. तो बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर करेक्ट, -5.0 एंड 5.0. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर हैविंग अ टू डायमेंशनल प्लेन इन विच we are having the coordinates like this -5, -4, -3, -2, -1 and then 0. Here it is 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3. Sorry. This is 1, 2, 3, 4. This is 5. And in the negative direction, -1, -2, -3, -4. We are given a rectangle whose vertices are A, 3, 2, B, -4, 2, C, -4, 5. C is -4, 5,
एंड डी इज 3.5. ओ सॉरी, डी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं. ठीक है, चलो पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं. देखो सबसे पहले आपने जब डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, एक चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज इट विल बी ऑन ग्राफ. ग्राफ में तो झट से पता चलेगा कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. अदरवाइज आई विल टेल यू बाय लेंथ आल्सो, बाय द लेंथ वाइज आल्सो. यू सी दिस इज डी. डी का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है? 3. डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, दिस होल डिस्टेंस इज, पूरा डिस्टेंस 5 है, तो व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी? 5. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल. राइट, आप वैसे भी देखो जरा, अगर हम इन ब्लॉक्स को काउंट करें इधर वाली साइड से, तो इस साइड में कितने ब्लॉक कवर हो रहे हैं? 1, 2 and 3. तो इस साइड से भी हमें कितने ब्लॉक कवर करने पड़ेंगे? 1, 2 and 3. रीजन बीइंग, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इट शुड बी द सेम. जितने ब्लॉक इधर आपने काउंट किए उतने ही ब्लॉक आपको इधर काउंट करने पड़ेंगे. अब देखो यहाँ पे कितने ब्लॉक काउंट हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर 7 तक की काउंट करने पड़ेंगे. ठीक है, इज इट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो बेटे. I am not saying that यही क्वेश्चन आएंगे, पर किसी भी तरह के आ सकते हैं. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट? क्वेश्चन नंबर 3. इन द गिवन फिगर देयर इज अ ट्राइंगल AOB. इन द गिवन फिगर आपका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था ना उठाने के, इसका कम, इसलिए वो आ. देयर इज अ ट्राइंगल AOB. एक्स, अब हम कोऑर्डिनेट्स मैट्री कर रहे हैं. जैसे जिस करण कहता है कि लास्ट बेंच पे बैठो, मैम से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो, लास्ट बेंच पे बैठो, डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए बोर्ड से हमारा डिस्टेंस. कुछ बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट बेंच पे बैठ दो, सेकंड पे बैठ दो, कि डिस्टेंस कम होना चाहिए. कोऑर्डिनेट्स मैट्री कर रहे हैं हमें, डिस्टेंस की बहुत समझ है ना. या ज्यादा सही दिखता है, बिल्कुल ठीक. एक्स एक्सिस दिमाग में जाना चाहिए जिस करण जी, चाहे पीछे बैठो चाहे आगे. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड देयर इज अ ट्राइंगल, रादर इट इज गिवन टू बी सिंपल ट्राइंगल. ठीक है, सो दिस इज ए 4.0 एंड दिस इज बी, एंड दिस डिस्टेंस ए बी इट इज गिवन टू बी 5. दिस इज ओरिजिन, राइट? सो व्हाट ही सेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, एक कोऑर्डिनेट तो बी का. लवण्या कहती मैंने एक मिनट में बता देना. एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक पॉइंट के. लवण्या, वन कोऑर्डिनेट यू कैन टेल वेरी इजीली, विच वन? एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 एज बी लाइज ऑन विच एक्सिस? y एक्सिस. तो क्योंकि b y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0. नाउ वी वांट टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ b अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ पॉइंट. व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ पॉइंट? वैसे तो अंशिया की बात बिल्कुल लॉजिकल है, बट फिर भी दोनों तरह से मैं बताना चाहूंगी. अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए पॉइंट, जब हमने पॉइंट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस किया था, आई टोल्ड यू हाउ वी फाइंड एक्स, हाउ वी डिफाइन एक्स कोऑर्डिनेट, हाउ वी डिफाइन वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी नीड दिस ओबी, क्योंकि बी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ओबी. जो बी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा, जहां यहाँ पे वो ओबी है, वही क्या होगा इस पॉइंट का? वाई कोऑर्डिनेट.
अब अंशिया ने फटाफट झट से बता दिया कि ये जो बी के कोऑर्डिनेट हैं, बी की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए, राइट। अदरवाइज लेट मी टेल यू क्या होता है कि अगर तो आपके पास ग्राफ पे बना क्वेश्चन आता है, फिर तो सीधी सी बात है, यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। अंशिया आपने कैसे 3 बताया फटाफट? पाइथागोरस से, हाँ वही मैं करवा रही हूँ। अगर तो आपको ग्राफ के पॉइंट्स मार्क है पेपर में, तो कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है, यू डायरेक्ट गो विद द काउंटिंग ऑफ द ब्लॉक 1 2 3, 3 ब्लॉक्स ऑन वाई एक्सिस, दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज क्या? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसका मतलब मुझे ओबी की वैल्यू चाहिए। वैसे ऐसे होता नहीं है कि आपको ग्राफ के ऊपर ऐसे बना के दे दें ब्लॉक की, आप काउंट करो और लिख लो, ठीक है ना। तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मींस वी नीड ओबी। आपको पता है जहां जहां गुड़ चीनी होती है वहां वहां कौन आता है? कीड़ियां आती हैं, ठीक है ना। और जहां जहां 90 डिग्री का एंगल होता है वहां वहां पाइथागोरस के, वहां वहां पाइथागोरस ही आते हैं, गौरव को हमेशा बता के आते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो हम राइट एंगल, गौरव के रिश्तेदार है, अच्छा हम यूज करेंगे, अच्छी बात है, पाइथागोरस अगर किसी का रिश्तेदार है तो वी शुड बी वेरी प्राउड, राइट। चलिए इन ट्राइंगल एओबी, सिट प्रॉपरली इन ट्राइंगल एओबी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री की ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज, ए बी की वैल्यू 4 स्क्वायर, OB we want to find, what is the value of OA? क्योंकि distance x-axis के along 4 है, मतलब अन्य नोट कर लो कुछ, so this is 25 OB square plus 16, 25 minus 16 OB square, 9 is equal to OB square, square shifts on another side, plus minus 3 is the value of OB. तो हमारे पास ओबी की वैल्यू प्लस माइनस 3 दो कोऑर्डिनेट्स में आई, एक प्लस एंड एक माइनस, बट आर बी इट लाइज इन द विच डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई एक्सिस, सो वी शुड टेक प्लस 3 इंस्टेड ऑफ माइनस 3, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 0 कॉमा माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इन द गिवन फिगर triangle ABC and ABD, they are equilateral triangle in which coordinates of A, it is minus A comma 0, let me write here, minus A comma 0, coordinate of B are A comma 0, coordinate of B are A comma 0, find the coordinates of the point C and D. We need to find the coordinates of C and D. अब देखो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि whether we are talking about the triangle on the upper side, this is ABC, this is equilateral triangle, or we are talking about the triangle on the lower side, that is ADB, that is also an equilateral triangle, right? Now, if I'm asking you that what is this distance? A, क्योंकि पॉइंट उधर की तरफ बढ़ा, कितना डिस्टेंस? माइनस है, बट क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है माइनस लग गया, बट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये हुआ ए डिस्टेंस। एंड व्हाट यू कैन से अबाउट दिस मच डिस्टेंस, ये भी ए, व्हाट यू कैन से अबाउट ए बी फुल लाइन 2A, दिस इज ए ओ प्लस ओ बी
and that becomes a plus a, and that is equal to 2. ab ki value 2 a aa gayi. Can I write ab is equal to ac is equal to bc is equal to 2 a? रीजन पानिश, रीजन पानिश, आपके पिछले टेस्ट में नंबर बहुत कम है. अच्छा ठीक है, आप बताओ. नई ज्योमेट्री आ रही है. हाँ जी रितिका, हाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी? कभी जब मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ कोई ध्यान से सुनते हो आप लोग? हर्षिता नहीं सुनते, कहती ये नहीं सुनी. मान्यवी, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ऑल साइड्स सेम, नीचे भी ये साइड ये 2a हुआ, ये भी 2a, ये 2a, ये 2a. नाउ यू वांट टू फाइंड c एंड d. हृदय एक धैर्य, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट. कैन यू टेल मी दिस टाइम हमें c का कौन सा कोऑर्डिनेट पहले से पता? c का एक कोऑर्डिनेट x और y में से एक कोऑर्डिनेट वी नो इट अर्लियर, पहले पता है हमें बिना कैलकुलेट किए. x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यों होगा जीरो? जो क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप बता सकते हो. c का ये कह रहा है x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इधर उधर से सुन के इसने बोल दिया इसलिए इसको रीजन नहीं देना आया. आप बता दो रीजन why c is x coordinate will be zero. इक्विलेटरल ट्रायंगल च जे हुंदा मैम जीरो ही हुंदा. शाबाश, आप बताओ जिया. बिकॉज c lies on y axis, x coordinate will be zero. सेम goes for d. d भी y axis पे है, उसका भी x coordinate zero होएगा. हाँ जी लवण्या, विच डिस्टेंस ऑफ सी रिप्रेजेंट इट्स वाई कोऑर्डिनेट? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा गलत. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, पहले फिर थोड़ा ठीक बोल रही थी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आप बता सकते हो? एक मिनट, जिससे पूछा वही बोलेगा. आप बता सकते हो सी का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? नेमली, नेम करके. बच्चे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी, आई एम आस्किंग यू नेम. जैसे किसी का नाम है, कोई कोई पी क्यू है, कोई आर एस है, ऐसे. ओ सी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी ऑन एक्स एक्सिस. And it will represent which coordinate? Which coordinate of C? Y coordinate of C. तो इसका मतलब जब आप OC find कर लोगे, वो OC आपका C का कौन सा coordinate बन जाएगा? Y coordinate. बात फिर वहीं पे आके खड़ी हो गई है. OC find कर. Which triangle? AOC. राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ सी. केशव, नो रोल नंबर, नो क्लास, नथिंग. हु इज दिस केशव? स्विच ऑन योर वीडियो, राइट योर क्लास रोल नंबर ओनली देन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू. केशव हरी अप एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज विद इन टू मिनट्स आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. इसका आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. चलिए, इन ट्राइंगल ए ओ सी 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो दिस इज 2a स्क्वायर, ओसी वी वांट टू फाइंड, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर, ओसी स्क्वायर
plus a square. So this is 4a square minus a square, OC square. This is 3a square is equal to OC square. Square shifts on another side will become square root. जब जब रूट किसी भी स्क्वायर रूट से बाहर आता है, स्क्वायर से बाहर आता है नंबर, तो वो सिंगल बन जाता है प्लस माइनस के साइन के साथ. प्लस माइनस रूट थ्री ए इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रेंच अर्थिक योर नेम इज कुलीन. हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये हम स्क्वायर रूट में एक्चुअली टू साइन लेते हैं ना, प्लस माइनस टू. एट में आपने किया, वहां पे आपको बताया जाता था ओनली पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट साइन इज टू बी कंसीडर्ड. बट यहाँ पे मैंने दोनों लिए. क्यों लिए? बिकॉज वी आर वर्किंग इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट का नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी होता है. इसलिए मैंने जब ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, आई एम राइटिंग इट टू बी प्लस माइनस ए. एंड रूट थ्री ऐसे ही, क्योंकि रूट दोनों को मिलना था, थ्री का स्क्वायर रूट वी डोंट नो एग्जैक्टली, सो वी राइट इट एज इट. तो ये ओसी की दो वैल्यूज आई हैं, प्लस माइनस रूट थ्री ए, यानी कि एक हो गया प्लस रूट थ्री ए, एक हो गया माइनस रूट थ्री ए. तो आपके एक पंथ दो काज हो चुके हैं. आपके एक ही टाइम पे आप जितने सिंसियर होते थे ना, आपने पता नहीं क्यों अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया कि मैं भी हंसूंगा बाकियों के साथ में. जितना आप सुनते थे ना क्लास में मेरे को ध्यान से, यू डिसअपॉइंट मी दिस टाइम. बाद में बताएंगे क्या किया. सो सी This is O. हम इसका y coordinate क्या लिख सकते हैं? This is positive direction of y axis. So this will be plus root 3 a. And same distance नीचे है, minus root 3 a. Coordinates of a d. कुछ भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से इन चीजों को अपने दिमाग में बिठाते जाओ. This is x x dash y y dash. This is two. This is minus one, and this is two. This is three. This is minus two. Coordinates of B are given to be 2 comma 3. Coordinates of B are given to be 2 comma 3, and that of C are given to be minus 1 comma minus 2. We want to find the coordinates of A and B. अब ध्यान से देखना. This distance is 3, और A जो है यहाँ पे काउंट करो कितना डिस्टेंस है. वन टू थ्री किसके अलोंग? कौन सी एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग. और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है? माइनस वन. मतलब जब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हमने साइन कंसीडर करना है साथ में, ठीक है? एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस वन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के अलोंग थ्री, तो दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. सिमिलरली डी एक्स एक्सिस के अलोंग टू,
एंड वाई एक्सिस के अलोंग माइनस टू। देखो दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवाती हूँ जिसमें मैं ये वाले पॉइंट्स मार्क नहीं करती, ब्लॉक नहीं बनाती, सीधा ट्रायंगल सीधा बना के वहां हमने कैलकुलेशंस के थ्रू कोऑर्डिनेट्स निकाले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ग्राफ्स ही होंगे, आपने ग्राफ्स के थ्रू कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ्स के थ्रू फाइंड किया कि ग्राफ पे मैंने काउंट कर लिया दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस माइनस वन एंड अलोंग वाई एक्सिस कितने खाने हैं वन टू थ्री। सिमिलरली अलोंग एक्स एक्सिस कितने ब्लॉक वन टू, along y axis 1 2 but with minus, ठीक है। so coordinates of a are minus 1 comma 3 and coordinates of b are 2 comma, let us do the next question। This figure is given to us. अगर मैं आपसे पूछूं what are the coordinates of B, what you will say? किसने बोला? Good. One comma zero along x-axis, distance is one. It is on x-axis. Y coordinate zero. Similarly, if I am talking about C. Along x-axis, distance is 5 units, on y-axis, 5 comma 0. So coordinates of B and C, very easy to find. जिसको इतनी बात पता है कि x-axis पे लाई करने वाले points का y coordinate 0 होता है और y-axis पे लाई करने वाले points का x coordinate 0, उसके लिए आधा question तो बहुत easy हो जाता है. So we want to find the coordinates of the vertex A. We need to find A's coordinate. Every point has two coordinates. Can anyone tell me that one of the coordinate we can easily write? Hand raise करना. X या Y में से एक coordinate हमें मतलब हम आसानी से बच्चों जैसी बात है. सबका hand raise होना चाहिए. Drawing कर रहे हो जिस करण? धैर्य. अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, सोचो. हाँ जी, जे जे सिस्टर्स आर वेरी विलिंग टू गिव द आंसर. चलिए इनसे बात करते हैं. हाँ जी, जे जे सिस्टर्स, यू टेल. मैम, थ्री एट एक्स एक्सिस. बिल्कुल ठीक. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट. सो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए? दिस इज थ्री. एक चीज तो हमें पता ही है. अब मैं फाइंड करना चाहती हूँ इसका वाई कोऑर्डिनेट, राइट? एंड मोर ओवर वन थिंग इज गिवन, दिस इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर, दिया हुआ है परपेंडिकुलर. अब इस पे अगर हम पाइथागोरस लगाना चाहते हैं तो हमें जो है ये डिस्टेंसेस पता होने चाहिए. एक मिनट. अच्छा एक मिनट, एक चीज गिवन है दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, इसके बिना नहीं होगा. दिस थिंग इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल. अब सभी को ये पता चल गया कि हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे एंड वी विल रीच टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए. वैसे अगर मैं आपसे पूछूं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको मैं अगर एम बोलूं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए कौन सा डिस्टेंस है? AM, that means distance along y-axis, perpendicular distance on x-axis, or you can say distance along y-axis.
दैट मीन्स मुझे ए एम की वैल्यू फाइंड करनी है. इफ आई कंसिडर द ट्राइंगल ए एम बी आई शुड राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब ये जो वैल्यू है ये डिस्टेंस कितना है? हाँ कुछ बच्चे थ्री भी बोलते हैं. ब्लॉक काउंट करो. ब्लॉक ब्लॉक टू. अदरवाइज अगर ब्लॉक नहीं दिए हुए तो गौरव बिल्कुल ठीक कर रहा है. पूरा डिस्टेंस थ्री उसमें से वन यूनिट निकला कितना बचा टू. सो आपके पास बी एम की वैल्यू तो आ गई टू स्क्वायर. ए एम आपने फाइंड करना है. बात रही ए बी की. इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड? फाइव तो नहीं है लिखा तो वन से फाइव हुआ है. ब्लॉक कितने हैं? फोर. तो ये डिस्टेंस ये साइड हो गई फोर. बीइंग इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका एक नंबर आया टेस्ट में. सो फिर आई शुड टॉक टू योर पेरेंट्स दैट यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी केयरफुली. दिस लेंथ इज फोर राइट. बीइंग इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स विल बी इक्वल. सो दिस विल बी फोर. दिस विल ऑल्सो बी फोर. ठीक है वैल्यू पुट कर दो ए बी की. दिस इज फोर स्क्वायर. आपको याद होगा जब आप छोटी क्लासेस में रादर सेवंथ एट्थ में प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होता था तो आपको बोला जाता था कि अगर इसके इस नंबर में कोई परफेक्ट स्क्वायर इन्वॉल्व है तो उसको बाहर निकाल लो. वेरी क्लियर दैट फोर इज इन्वॉल्व इन इट. एम आई राइट? सो वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ फोर एज आउटसाइड इट विल कम एज टू. सो वैसे तो बोथ साइन वी हैव टू टेक बट एज आर ए इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. So we will take only the positive sign. So what is the y coordinate of A? Hope you have understood whatever I want to convey. So we'll continue it tomorrow. So till then, take care. Bye bye.